आज हम लोग की एक्सरसाइज 3 है आपकी क्लास 10th की, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के पार्ट छांटने हैं। देखिए, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, हमने बात की थी सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि सब जो सेंटेंस होता है उसके उसको दो भाग में बांटा हमने। एक का नाम दिया हमने सब्जेक्ट, दूसरे को हमने कहा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट किसको कहा? जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं या जो कुछ करता है उसको हम क्या करता कहते हैं, यानी सब्जेक्ट कहते हैं। और जो कुछ उसके द्वारा किया जाता है वो क्या होता है? वो प्रेडिकेट होता है। तो देखिए, और सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं हमने बात की थी। तो देखिए, सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, तो हम जो करने वाले हैं वो एक्सरसाइज के हिसाब से करेंगे। एक्सरसाइज में क्या है, स्टडी द एग्जांपल्स एंड पिक आउट सब्जेक्ट्स, यानी उदाहरणों का, जो ऊपर उदाहरण दिए गए हैं उनका अध्ययन करो एंड पिक आउट सब्जेक्ट और सब्जेक्ट छांटो एंड प्रेडिकेट पार्ट्स और प्रेडिकेट्स के पार्ट छांटो। शो द सब्जेक्ट पार्ट्स आल्सो, यानी सब्जेक्ट के पार्ट्स छांटने। इसमें लिखा है कि हमें प्रेडिकेट की पार्ट भी छांटने, लेकिन हम केवल सब्जेक्ट के पार्ट ही छांटेंगे जैसा कि एग्जांपल में उसने किया है। पहला है द सन इज वेरी हॉट, तो ये सब्जेक्ट हो गया इसमें हमारा द सन, ठीक है, क्या हो गया, द सन हो गया। तो पहले को हम लिख लेते हैं, तो इसमें सब्जेक्ट में क्या क्या दे रखा है उसने, डिटरमाइनर दे रखा है, डिटरमाइनर शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, तो डिटरमाइनर क्या है, द है। और सन, सन क्या होता है, मुख्य शब्द है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम हेडवर्ड कहते हैं, वर्ड या फिर नाउन, ठीक है, वर्ड या नाउन, यानी मुख्य शब्द क्या है हमारा, सन है। तो बाकी जो बचा हुआ है इसी में अंडरलाइन कर रहा हूं मैं रेड कलर से, ये क्या हो गया आपका, इज वेरी हॉट, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। नंबर दो में देखिए, क्लियर हो गया, ये आपका इज वेरी हॉट प्रेडिकेट के पार्ट है। दूसरा सेंटेंस देखो, इसमें क्लेवर फॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, तो डिटरमाइनर क्या हो गया आपका, डिटरमाइनर हो गया ए। एडजेक्टिव क्या हो गया, एडजेक्टिव क्लेवर हो गया, कौन हो गया, फॉक्स, तो इसको हेडवर्ड या फिर क्या कहते हैं, नाउन, तो क्या हो गया, फॉक्स। और ये वॉज स्टैंडिंग क्या हो गया आपका, ये प्रेडिकेट का पार्ट हो गया, ठीक है, यहां से ये सब आपका प्रेडिकेट। नंबर तीन क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट क्या है आपका, देखो ब्लैक से डिनोट करेंगे, सम नॉटी बॉयज, तो सम क्या हो गया आपका, डिटरमाइनर हो गया, डी से दिखा देता हूं इसको, है ना, तो सम हो गया डिटरमाइनर। एडजेक्टिव क्या है इसमें, इसको ए डी से दिखा देते हैं, एडजेक्टिव क्या हो गया आपका, नॉटी हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप सभी, जी सर। बॉयज क्या है, मुख्य शब्द है, मुख्य शब्द क्या कहते हैं, हेडवर्ड, एडवर्ड या फिर नाउन, क्या ये हमारा बॉयज है, जो आपका प्रेडिकेट का पार्ट है उसको हम रेड पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, क्वारल। चौथा देखो, चौथे में क्या है, हिज कोट, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमने रेड से अंडरलाइन कर रखा, चलो ब्लैक से कर लेते हैं, हिज कोट, तो हिज क्या हो गया आपका, डिटरमाइनर हो गया हिज, इसको डी से डिनोट कर दिया, इसको हिज लिख दिया। मुख्य शब्द क्या है इसमें, कोट, इसको कहते हैं हेडवर्ड, हेडवर्ड या नाउन, क्या हो जाएगा, कोट, सी ओ ए टी, कोट,
नंबर पांच, माई एल्डर ब्रदर इन ब्लेज, तो इसमें देखो ये रह गया था, इसमें इज वेरी फाइन क्या है, प्रेडिकेट का पार्ट, इसमें देखो माई एल्डर ब्रदर इन द विलेज, ये पूरा क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, तो इसमें क्या क्या दे रखा है, डिटरमाइनर डी से क्या है, माई हो गया, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्या हो गया भैया आपका, एल्डर हो गया, कैसा प्रश्न करने पर आपको एडजेक्टिव मिल जाएगा, और हेडवर्ड यानी मुख्य शब्द क्या हो गया, हेडवर्ड को ऐसे लिख देता हूं मैं, क्या हो गया इसमें, ब्रदर। अब क्या रह गया, अब जो कुछ बचा है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज, पी शॉर्ट में लिख देता हूं, है ना, तो क्या हो गया, इन द विलेज हो गया, है ना, इन द विलेज, इन द विलेज, ठीक है, स्पेलिंग आप यहां से चेक कर लेना, इज इल क्या हो गया भाई, ये प्रेडिकेट हो गया। नंबर सिक्स देखें, देखो नंबर सिक्स है जो, अ फ्यू गुड बॉयज इन माई क्लास, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का पार्ट। अब सब्जेक्ट के पार्ट छांट लेते हैं, देखो इसको रेज कर देता हूं मैं ना, आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, जैसा कि आपको ज्ञात है दो पिछली जो वीडियो थी उन दोनों वीडियो में हमने बहुत अच्छे प्रकार से इस बात पर डिस्कशन किया कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, अब हम इन्हें शॉर्ट में करा रहे हैं आपको, ठीक है, तो सिक्स वाला देखो, डिटरमाइनर डी से, कौन सा वाला, सिक्स का, अ फ्यू, ठीक है, और एडजेक्टिव क्या हो गया आपका, एडी, गुड बॉयज, गुड बॉयज, अब क्या आएगा, हेडवर्ड आएगा, हेडवर्ड या फिर नाउन, है ना, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ये क्या हो गया, बॉयज, ओहो ऊपर वाले में गलत लिख गया है, बॉयज क्या है, हेडवर्ड है, बॉयज, अब एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है आपका, फ्रेज पी से, है ना, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, इन माई क्लास, बच्चा कुछ डेकोरेटेड द स्टेज, ये हो गया प्रेडिकेट। अब सेवन देखो, डिटरमाइनर क्या है, सब्जेक्ट हो गया हमारा क्या, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक, तो इसमें डिटरमाइनर हो गया एन, एडजेक्टिव हो गया आपका ओल्ड, और मैन हो गया एडवर्ड, एस से क्या हो गया एडवर्ड, आदमी, मुख्य कौन है, आदमी है, कैसा है, बूढ़ा है, कितने हैं, एक है, और क्या है भाई, अब जो बिना स्टिक क्या हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज, है ना, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, एडजेक्टिवल फ्रेज क्या हो गया हमारा, विद अ स्टिक, विद अ स्टिक, केम से ले, केम हियर, वॉकिंग, ये हो गया आपका प्रेडिकेट, ठीक है। एट वाला देखो, आ ब्लैक स्नेक, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट का पार्ट, तो इसमें डिटरमाइनर क्या है, डिटरमाइनर हो गया ए, एडजेक्टिव हो गया हमारा ब्लैक, एडवर्ड हो गया
स्नेक। बहुत ही सिंग इन द बुश हो गया आपका प्रेडिकेट का पार्ट। ठीक है, नंबर 9 देखो। द क्रो, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसमें डिटरमाइनर क्या है आपका? द। एडजेक्टिव इसमें दिया नहीं है, और हेडवर्ड क्या हो गया आपका? क्रो। और कुछ नहीं है ना इसमें, बचा कुचा क्या है? इज क्लेवर से ये हो गया आपका प्रेडिकेट। नज़मा देखो, एन ऑनेस्ट मैन, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के पार्ट यहाँ छांटते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, डिटरमाइनर, डी फॉर डिटरमाइनर, एन हो गया, और क्या एडजेक्टिव क्या दे रखा है हमारा, ऑनेस्ट, कैसा आदमी है? ऑनेस्ट, ईमानदार। कौन है वो? आपका हेडवर्ड है, यानी मुख्य शब्द, हेड वर्ड या नाउन। क्या है आपका? मैन। ठीक है, और इज रेस्पेक्टेड क्या है? ये आपका प्रेडिकेट का पार्ट है पूरा, इज रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब 11 वाले की बात कर रहे हैं, देखो, योर यंगर सिस्टर सिंग्स, तो योर यंगर सिस्टर क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट हो गया। तो इसमें डिटरमाइनर क्या है? योर, कैसा है? यंगर, छोटी, तो ये एडजेक्टिव हो गया यंगर। और मुख्य शब्द क्या है? हेडवर्ड कहते हैं इसको, वो क्या है? कौन है? सिस्टर। और ये हो गया आपका सिंग्स वेरी स्वीटली, ये हो गया प्रेडिकेट। हम 12वां देखो, गैम्बलिंग हैज रुइंड, तो गैम्बलिंग, ये आपका 12 में नाउन क्या है आपका? हेडवर्ड या नाउन। गैम्बलिंग है सब्जेक्ट में केवल, जी ए जी ए एम बी एल आई एन, गैम्बलिंग। और बाकी बचा कुचा क्या है? ये हैज रुइंड मैनी फैमिलीज, ये प्रेडिकेट हो गया। 13 देखो, फॉरगिव, टू फॉरगिव क्या है हमारा? सब्जेक्ट है, ये भी क्या कहते हो? नाउन या इन्फिनेटिव है ना, क्या है हमारा? टू फॉरगिव, टू फॉरगिव। बाकी सब क्या है? ये इज डिवाइन, ये प्रेडिकेट हो गया। ये 14 देखो, हिज एल्डर ब्रदर इन आगरा, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसको मिटा रहे हैं। देखिए और इसमें क्या है, तो इसमें डिटरमाइनर क्या है आपका 14 में? हिज। एडजेक्टिव क्या है? एल्डर। और हेडवर्ड क्या है? ब्रदर। और एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है? शॉर्ट में लिखिए, स्पेलिंग सही नहीं है, एडजेक्टिवल फ्रेज की स्पेलिंग ये दे रखी, ठीक है, क्या है? इन आगरा। बचा कुचा क्या है? ये सब इससे लेकर फेमस तक प्रेडिकेट का पार्ट है। 15वां देखो, 15वां दोज बॉयज, ये क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट का पार्ट हो गया। तो दोज क्या हो गया? डिटरमाइनर।
अब एडजेक्टिव दिया नहीं है इसमें, हेडवर्ड दिया है। हेडवर्ड क्या है? मुख्य शब्द बॉयज। बाकी सब क्या है? ये प्रेडिकेट बचा, प्ले क्रिकेट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको सही नहीं दिख रहा तो थोड़ी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।